क्वेश्चन करते हैं जो मतलब कि आपका इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहते, इस दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से इतना अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की इतना दूनी है। सबसे छोटी लंबाई की संभवतः लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा और दूसरे टुकड़ा के कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, इसको क्या करना पड़ेगा, मान लें कि ए अब बी सी लंबाई हो गया, तो मान ली सबसे छोटा लंबाई ये है। आइए कह रहा है कि इसका लंबाई जो है, देखिए कह रहा है 3 लंबाई काट देगा, दूसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई से इतना अधिक है, तो दूसरी लंबाई इतना मान लिया गया। और आगे कह रहा है कि छोटी है और कह रहा है कि इतना अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, मतलब कि यह तीसरी लंबाई हो गया। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी लंबाई संभवतः क्या होगी, और कह रहा है कि यदि तीसरा टुकड़ा यह जो है सबसे कहा था सबसे छोटी टुकड़ा से इतना अधिक है, तीसरा टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े इतना से 5 अधिक है। इसे तीसरा टुकड़ा अगर मान लीजिए यह तीसरा टुकड़ा इतना है, इसलिए कम से कम इसका मान जो हो जाएगा आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तीसरा टुकड़ा से कम इतना अधिक है, मतलब कि कम से कम जो है तीसरा टुकड़ा से कम से कम इतना अधिक, इसमें क्या हो जाएगा यह इतना हो गया तीसरे टुकड़ा से। और क्या करेंगे, यहाँ से मान आगे आ जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 1 से मान आपका आगे 8 आ जाएगा, एक तो इतना से बड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है दोनों को जोड़ करके, है ना, मान लीजिए 2x प्लस और 1x, अब प्लस हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3 या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 91, क्योंकि जो बोर्ड होगा तो ऊपर बराबर होकर ना छोटा छोटा काट सकते हैं या कुछ पार्ट हो सके नहीं ख़त्म हो जाएगा खराब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, यह हो जाएगा इधर जाएगा तो 88 हो जाएगा और कटेगा इसका मान आ जाएगा 22। इसका मतलब कि एक्स जो मान हो जाएगा छोटा का जो मान होगा आपका वो होगा आपका 8 से बड़ा और 22 से छोटा। तो यह क्वेश्चन बहुत ईजी था और इस तरह के आधार क्वेश्चन आप बना सकता है साइंस तरीका। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्रमागत धन सम संख्याओं का ऐसे युग्म निकालिए जिनमें से दोनों 10 से बड़े हो तथा उनका योगफल 50 से कम हो। तब दोनों कह रहा है, अगर मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्या अगर एक से एक कम हो गया यह तो भी 10 ले बड़ा है और यह भी 10 ले बड़ा है हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका को जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा यह बड़ा मतलब कि छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध्यान देंगे यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा 2x इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका मान 24 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे इसका मान लगभग होगा 10 से हो जाएगा 24 के बीच में हो जाएगा, यह ध्यान देना जरूरी है 10। तो यहाँ ध्यान देंगे लेना है सम संख्या लेना है, यहाँ 10 इसे कह रहा है तो 10 ले 12 से हो जाएगा 14, पहले हो जाएगा 12 14 16 18 20 22 ये हो जाएगा, मतलब जब पेयर बनाएंगे तब 12 से हो जाएगा 14, जब पेयर बनाते हैं तब होता है 14 से हो जाएगा आपका 16 और 16 से हो जाएगा आपका 18 से आपका हो जाएगा 20 और 20 से हो जाएगा आपका 22 और 22 से हो जाएगा आपका 24। तो ये बढ़ गया कैसे कि यहाँ से आपको 24 हमको लेना है तो यहाँ से वो छोड़ के इधर ले आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसलिए 12 से 24 हम लोग पेयर में लेते हैं। आई होप अब समझ में आया होगा आगे क्यों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार इस सब है। आगे क्यों बढ़ते हैं, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में इतना और इतना अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात जिसमें वह तीसरी परीक्षा में पाकर इतना अंक न्यूनतम प्राप्त करे। इसमें वह न्यूनतम अंक मान लीजिए 1 हो जाएगा और दोनों के मिलाकर हम कह देंगे ब्रिज कह रहा है औसत लेस देन हो जाएगा 60 से, तो इधर हो जाएगा 145 प्लस 1 से, इधर जाएगा तो हो जाएगा 180। अब ध्यान देंगे 180 में 145 घटेगा तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका मान हो जाएगा 35, मतलब सबसे मिनिमम जो मान होगा इसका जो होने वाला है 35।
आगे को बढ़िए कह रहा है कि कम से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल इतना से अधिक हो, मतलब कि इतना से कम क्रमागत अगर इतना से कम हो गया विषम कह रहा है। आगे को बढ़ते हैं और दोनों का जो योग है इतना से बड़ा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा 9, मतलब कि हो जाएगा 4.5 इतना से बड़ा। इसका मतलब कि इसका हो जाएगा 4.5 से बड़ा और 10 ले छोटा। अब इसके जाते हैं 5 हो जाएगा विषम संख्या, 5 से हो जाएगा आपका 7 और 7 से हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 7 लगातार कह रहा है लगातार तो सम विषम संख्या हो गया, यह हो जाएगा उसके साथ 9 से आपका हो जाएगा 11, नहीं यह आपका एक बढ़ जाएगा 11। पेयर में कहता तो हो जाता है 9 से 11, इसके अंदर जो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा 11 से अधिक, तो 11 से अधिक भी हो हैं बट का ध्यान देना जरूरी यहाँ पर कि इतना से मतलब कि कम, तो इसके मतलब कि यह नहीं होगा आपका, तो आपका ये आपका आएगा समय बात को। आगे को बढ़ते हैं क्रमागत सम संख्याओं के ऐसी सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनकी योगफल इतना से कम हो। तो सभी जो हैं 5 से बड़े हो सम संख्या, और देखिए अब सम संख्या माने तो अगला भी एक सम संख्या, सम संख्या लगातार मीन्स होता है, अगर मान लें कि हम 4 हैं तो 8 होगा, तो इसलिए हम इस सम संख्या जब मान लिए, अगर विषम संख्या तो ये विषम संख्या हो गया, तो इसलिए कोई बच्चा यह नहीं सोचेगा कि विषम संख्या यही एक से माने हैं, हम इस विषम समय ही माने हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। हम जब मान लिए सम तो अगला भी यही सम आएगा। अगला चोल का दोनों को हम अगर कोई योग का दे रहे हैं इसका जो लेस देन हो जाएगा क्या हो जाएगा 23 लेस ले दें, तो 2x = हो जाएगा 23 19 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका दो घटेगा ना 21 हो जाएगा ये बचा हुआ, इधर हो जाएगा 10.5 तार 10.5 ले कम लेना है, और क्या करना है इसका 10.5 ले कम लेना है, यहाँ से कह रहा है 5 से बड़ा हो जाता, 5 से बड़ा और पड़ा और 10.5 ले छोटा मोटा, तो 6 आगे बढ़ेगा 6 हो जाएगा आपका 8, 8 से हो जाएगा 10 और 10 ले हो जाएगा 12, समझे 10 ले 12 आगे स्टेप बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए अगर नंबर को आता तो हम लेते 6 8 10 यही लेते, लोग हम एक स्टेप बढ़ते हैं जब संभवतः मान इसके लग कहता है, तो सही बात को अगर मान लें कि यह क्वेश्चन जो था ऊपर वाला तो भी साथ संभवतः कहता था बढ़ते हैं, कोई इसमें दिक्कत बात नहीं समय बात में। तो यह कह रहा है कि आपको कम से कम इतना होना चाहिए, तो इसको बता दिया आपको आंसर आपका हो जाएगा यह 6 8 10 8 10 10 12, यह दो को आपको तीन को ऑप्शन आपको आएगा समय बात को। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हैं, पर एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर हैं, ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिला दिया जाए, मतलब 30% विलयन वाले तो मान लीजिए मिला दिया जाए कि ताकि परिणाम जो आ जाए अम्ल की मात्रा में इतना अधिक हो और अधिक और इतना से कम हो। ध्यान देंगे 600 मान लीजिए वह मिलाया जा रहा है एक्स, तो कितना टोटल परिणाम हो जाएगा 600 इतना हो जाएगा जो मिलेगा तो इतना हो जाएगा, और कितना मिला 600 वाला कितना मिल रहा है 30% 12% है, और कह रहा है अगला प्लस आ एक्स ऑफ कितना हो रहा है 100% कितना मिलाया जा रहा है 30%, आ ये कह रहा है ना कि इतना से दो बात कह रहा है कि इतना से कह रहा है कि अम्ल की मात्रा 15% से अधिक हो, तो मन 15% जब अधिक कर देंगे तो 600 प्लस एक से का हो जाएगा आपका का हो जाएगा 15%, तो यह हो जाएगा 600 12% निकाल बच्चों 72, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 72 इसको काटाएंगे नहीं थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यह 30 100 हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर 600 यहाँ ध्यान देना जरूरी है 15 यहाँ से अगर ये 100 खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर हो जाएगा 72 प्लस हो जाएगा 30 100 से यहाँ से हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा 90 आइए 15 हो जाएगा, तो इधर 15 हुआ भेज देंगे इधर 15 हुआ भेज देंगे तो 15 100 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 75 18 हो जाएगा,
18 इधर हो जाएगा 1800, इधर 15 से भागा जब देंगे तो इसका हो जाएगा 18 से भागा देंगे 320 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 320। देखिए 118 में मतलब 1800 में 15 से जब भागा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 600, अब 12 पाँच हो जाएगा 12 पाँच 60 120 हो जाएगा जी, 120 से ही 12 हो जाएगा। पहला स्टेप ही बन गया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि इसको घुमा देना, यही बात है, इसको घुमा देना, इसी बात को क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो क्या करेंगे हम, इस थोड़ा सा इसको इधर बता दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसको घुमा देना है। तो यह 6 जो है आपको 600 गुना जो आप मतलब कि 15% है ना जी, 12%। तो डायरेक्ट हम क्या करें, 12 यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 130 जो है ना, 30 x 2200 लिख दे रहे हैं, इसको घुमा घुमा के 600 प्लस 1 से 18 से कह दे रहे हैं वो काम हो गया, तो 100 कट जाएगा, तो 7200 में 30 x यहाँ से हो जाएगा 18 छक्का हो जाएगा आपका 108, यहाँ उतना हो जाएगा, इसको 1800 हो जाएगा ही। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको उधर घटाएंगे तो हो जाएगा 12, अब 12 में जब 72 जाएगा, 108 में जब 72 जाएगा आपका 7200, तो इसका जो मान हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 से भागा दीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 300। इसका मतलब कि 120 से लेकर 300 तक x के मान तक मिला सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत हैवी था, मेन दिमाग को लगाना है और क्वेश्चन को ले, क्वेश्चन से आंसर लेके आना है, यही आपको अनमाना है, रिजल्ट लेके आना है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 8% बेरिक अम्ल के विलयन में 2% बेरिक अम्ल का विलयन मिलाकर तंतु किया जाता है, तनु मीन सब पतला किया जा रहा है, परिणाम मिश्रण में कोई बेरिक अम्ल इतना से अधिक जो परिणाम उसको आ जा रहा है, मतलब कितना मिला जाए, मतलब एक्स मिला दिया कितना, मिलाने के बाद जो परिणाम आ रहा है 4% से अधिक, मतलब जो आ रहा है परिणाम उसको 4% अधिक होना चाहिए, 6% से कम। यदि हमारे पास 8% की मात्रा जो है, 8% जो मात्रा है तो 8 × 640 है बच्चा, तो 8 × 640 हो गया, एक्स मिलाए थे 2%, और वो कह रहा है ना कि जो दोनों परिणाम आ रहा है वो दोनों का कह रहा है कि 4% से ज़्यादा होना जरूरी है, और यहाँ से आ जाएगा गुना कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 8 × 4 = 32, आ हो जाएगा 48, अब 32 में से 32 48 51 हो जाएगा 500 आपको 12 यहाँ पर, अब 22 हो जाएगा 100, आई हो जाएगा 2x/100 हो जाएगा, आ यहाँ से हो जाएगा 640 x + यहाँ 2 × 4 हो जाएगा आपका 100 ख़त्म कर दीजिए इसका। अब इसको आगे की बढ़ा रहे हैं कहानी, और सुनिए सम्राट की मुझे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा आपका 5120 और 2x यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 600 में यहाँ गुना कर 16 हो जाएगा 2500 हो जाएगा यहाँ पर 4x 40 इधर जाएगा, तो 52 ध्यान देंगे 52 में से तो हो जाएगा 2x तो 0 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा यहाँ पर, यह 0 या 5 तो 5 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, इसका मतलब बचवा 100 हो जाएगा, यह 2 भागा दे देंगे 1 × 2 यहाँ पर 8 यह हो जाएगा, इतना आ जाएगा पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में ऐसा ही मुड़ जाएंगे, इसको ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप वही कह रहा है, तो इधर कह रहा है कि 12 हो जाएगा, तो 12 इतना से मतलब कि छोटा हो जाएगा, तो छोटा कर दिए इसको मुंह घुमा दिए, बट उधर का मुंह हवा जो है ना उसका जो मुंह हवा है 640 + 1 हो जाएगा आपका 6% कट चुका है, आपका हो जाएगा यहाँ से गुना करेंगे तो 6x आ इसका जो मुंगावा हो जाएगा यहाँ पर गुना करेंगे, ध्यान देंगे कॉन्सनट्रेट करना जरूरी है, यहाँ पर हो जाएगा 6 × 4 आपको हो जाएगा 24 × 4 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 2 × 38 तो ये 38 हो जाएगा, और 500 इतना में से
इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यह जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ से जीरो कर लेंगे, यहाँ से जीरो, यहाँ पर बारह में से आठ जो जाएगा जीरो हो जाएगा या दो हो जाएगा, यहाँ पर एक, इसका मतलब कि चार हो जाएगा, चार ले भागा देंगे तो हो जाएगा आपका तीन दो एक सौ बीस, इसका मतलब कि इसका मान जो हो जाएगा आपका इतना से इतना तक हो जाएगा, मतलब कि एक सौ तीन सौ बीस से बारह सौ अस्सी के बीच में इसका मान आएगा। अब बच्चा को सोचेगा बच्चा कि सर हाई सर कैसे लिख दे, ध्यान देंगे यहीं कह रहा है आपको 640 ऑफ 8%, आप प्लस कह रहा है कि x को 2% लेना है, आउ कह रहा है कि यहाँ पर ग्रेटर या लेस हो जाएगा, जो ओरिजिनल जो मान है इसको से 40% जो कहा था, मतलब कि 6% में कहा था 6% आपको लेस हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल जो यहाँ पर जो दिया था 400 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यह कह रहा है कि इसमें जो इसका कह रहा है कि परिणाम जो आ रहा है तो यह कह रहा है 6% से कम हो जाना, तो कम हो गया, इसका मतलब हाई वाला कम हो गया, जो परिणाम जो अलग अलग जो परिणाम निकाला था उसको रिजल्टेंट से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर यह कम हो गया, कम के देखिए कम के इधर चैन दिया, इधर बड़ा के मुँह दिया, देखिए मुँह खुला उधर, तो यह अब परिणाम आपको आ गया, तो यहाँ पर आया ग्रेटर 320 से ज़्यादा, अगर कहा था 128 कहा था 1228 ले जा कम, तो आपको यहाँ पर आंसर आपको या 1320 ले और 1280 तक आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसको समझना जरूरी है कि नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। यह कह रहा है कि बेरिक अम्ल के विलयन में 2%, बेरिक अम्ल का विलयन मिलाकर तंतु किया जाता है, तो परिणाम जो आ रहा है परिणाम मिश्रित परिणाम में बेरिक अम्ल को 4% से अधिक हो जा रहा है, मतलब जो परिणाम आ रहा है 4% से अधिक है तथा 6% से कम है, तो हमारे पास अगर 8% जो विलयन है 640 है, तो ज्ञात कीजिए कि 2% कितने विलयन मिलाया गया है, है ना, 2% बिलियन, इसका मालूम चला गया कि 2% जो बिलियन मिलाया गया है 320 ले ज़्यादा और 1280 से कम मिलाया गया है, समझ गए। आइए चलिए एक धांसु क्वेश्चन बता रहे हैं अब। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से तीन गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज की परिणाम न्यूनतम परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देंगे मान लीजिए कि तीन भुजा ए गो है ए और बी सी और सबसे छोटकी जो है एक्स है और जो कह रहा है कि सबसे कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा से तीन गुनी है सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा मान लीजिए है तो तीन गुनी है, अगर कह रहा है कि जो तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा से 2 से कम है, तो तीसरी भुजा ए हुआ या दूसरी भुजा से यह 2 कम है हो गया, अब आ गया, अब तीनों को जोड़ेंगे तब परिमाप आया, कह रहा है कि परिणाम जो है न्यूनतम मान इतना है, तो न्यूनतम मान इसका मतलब कि न्यूनतम मान या न्यूनतम से न्यूनतम दिया, इसका मतलब कि मान या बड़ा होगा, इसका न्यूनतम मान कर दिया तो 6x से 7x हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 61, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 63, ये हो जाएगा यहाँ 63 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से भागा दें तो यह 9 हो जाएगा, 7 से भागा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, अब 9 यह कम से कम लेना न्यूनतम मान लेना, तो न्यूनतम मान इसका हो जाएगा अधिकतम मान बहुत हो जाएगा, न्यूनतम मान आपका हो जाएगा 9, न्यूनतम मान हो जाएगा आपका 9। तो आई होप आप समझ में आया होगा, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए चाहे 11 हो 12 हो यूपी इसका मतलब कि आप मतलब कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं एनडी की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के दबा दीजिए कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जो भी मतलब कि सब को हम कहता है प्लेलिस्ट बना चुके मतलब कि लिस्ट बना चुके हैं और उसमें सभी लिस्ट हम हर एक मतलब डालते हैं तो उसमें आपको देखते रहिए क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो अभी बहुत सारे लिस्ट जो है ना आपको मतलब कि बहुत कम होगा क्वेश्चन डालें पर धीरे धीरे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। अगर मान लीजिए आपको जो ज़रूरत है तो मेरे पास SMS उसमें आपको मतलब कि मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया उसमें कमेंट करिए सर इस पे आप वीडियो बना दे तो इस पे वीडियो बना देंगे आओ परसेंटेज जो भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन जो भी आपको जिसकी तैयारी करो उस पर पूछिएगा तो आपको मैथ के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा कोई भी डाउट होगा तो उसको आउट किया जाएगा 100%। इतने कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।